आठ, ये डिजनरेशन प्रोसेस में जितना ऊपर हमने मैकेनिज्म थायराइड का वो सारा हमने डिस्कस किया, उसमें हार्ट वीक होना शुरू हो जाता है। असल में लाइफस्टाइल हमारे लोगों का बिल्कुल कोई नहीं होता, पैसे कमाने में लगे रहते हैं, दुकान में बैठे हैं तो बैठे हैं जी, एक्सरसाइज करते नहीं, ईटिंग हैबिट अच्छी नहीं होती, पैसे चार आ जाएं तो ज़्यादा खाते हैं, ठीक है ना, और फिज़िकल एग्जर्शन कोई नहीं होती इनकी, और ड्रग्स का इस्तेमाल जैसे अल्कोहल का होता है, टबाकू का इस्तेमाल होता है, और कोई फिज़िकल एग्जर्ट नहीं करते। और वेस्ट में तो ये हो गया है कि जो डेवलप कंट्रीज़ में कि वो लोग जो है ना वो खाते भी बड़ा, उन्होंने कंसल्टेंट रखे हुए होते हैं और डाइट शेट बड़ी कंट्रोल, इतनी कैलोरीज खानी है, इतना वॉक करना है, सारा बड़ा मॉनिटरिंग। आजकल तो आ गए हैं घड़ियाँ आ गई हैं, पता इतनी कैलोरीज वॉक होगी, इतनी हो गया, इस खाने में इतनी कैलोरीज हैं, इसमें इतनी है, तो बड़ा मैथमेटिकली लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूँकि हमें मरीज़ जब मिलता है तो वो तो उस वक्त मिलता है जब वो ख़राब हो चुका होता है। असूलन तो ये एजुकेशन पहले से चलनी चाहिए। तो अब जैसे मैं हूँ, मैं इतना बिजी शेड्यूल के बावजूद भी 8-10-12 किलोमीटर रोज़ वॉक कर लेता हूँ, कोई पहाड़ी चढ़ गया नीचे, कोई गेम खेल रही, कोई स्पोर्ट्स कर रही, लगे रहते हैं। तो हमारा तो बेशुमार, जो मैं सच्ची बात बोलूँ, हमारा डॉक्टर भी जो है ना ये चीज़ें फॉलो नहीं करता। वो भी कहता है एक और बस उधर ही बैठे बैठे कुर्सी भी अक्सर मरते हैं, ये गोली खा वो गोली खा, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, समझ आइए ना। तो लाइफस्टाइल वैसे गोरों की तरह ही गुजारना चाहिए। गोरों का लाइफस्टाइल अच्छा है मैक्सिमम का, मतलब वो जो है ना सारों का तो मैं नहीं कह सकता, सारे भी कई हमसे भी मिलते जुलते हैं। पैसे से बनता है, मैं आपको बताता हूँ, मैं 100 साल से ऊपर आता हूँ जिसके बंदे के पास पैसे नहीं थे, 118-120 साल उनकी उम्र थी, मैं अभी बताता हूँ आपको, अभी ठहर जाएं, मेरे पास जवाब है, मैं आता हूँ 100 साल से ऊपर ना, मैं आपको बताता हूँ गरीब लोगों की उम्रें 120-125 साल हैं। हाँ तो फिर उसका लाइफ स्टाइल क्या ना, फिर थीम ये है कि फिजिकल एग्जर्शन होनी चाहिए। आपको कौन रोकता है कि आप 5 किलोमीटर वॉक ना करें, 10 किलोमीटर वॉक करें ना, गरीबी का क्या तल्लक है इसके साथ। आप जरूरत नहीं जाके स्क्वाश खेलें, आप बैडमिंटन खेलें, आप जनाब गोल्फ खेलें, आप जनाब उधर टेबल टेनिस खेलें, आप जिम जाएं, ये जरूरत नहीं, आप सड़कों में दौड़ें, आप एग्जर्ट करें, अपने घर के काम काज करें, खेती बाड़ी करें, गार्डन ठीक करें, कुछ करें, मतलब इस पे पैसे की ज़रूरत ही कोई नहीं है, घंटा के निकालना ना बीच में से। हाँ वो तो फिर अमीर आदमी का शौक है ना कि सब गॉल्फ खेलना है, वो बैडमिंटन खेलनी है जी, स्क्वाश खेलनी है जी, समझ आई है आपको। ये शौक जो है ना, ये एक्सरसाइज वाला आप कहीं भी पूरा कर सकते हैं, और ये शौक जो है ना पैसे लेके पैसे कमा के भी पूरा किया जा सकता है। किसी का काम करें ना, मजदूरी कर लें, दिहाड़ी 5-7 बेलचे मारें, काम करें, खुदाई शुदाई करें, वैसे एक्सरसाइज भी होगी, 4 पैसे भी मिल जाएंगे। हार्ट, हार्ट के लिए लेक्सिस, लाइका, या हार्ट की बड़ी डिजीजेज हैं जी, मैं सिर्फ हम एड्रेस करना चाहते हैं कि आपको इसको एड्रेस करना है, और मैं कॉमन मेडिसिन आपका, मेरा हार्ट का पूरा हमारा लेक्चर है, कोई 7 लेक्चर की सीरीज है हार्ट पे। यहाँ डालने का मकसद यह है कि इस उम्र में हार्ट की बीमारियां बहुत ज्यादा, तो हार्ट को एड्रेस करना है। लेक्सिस, लाइको, ओरामेट, एपस, लाइकोपस, ब्रेटामियोर और कैकटिस, क्रेटेगस, नाजा, स्पोंजिया, मतलब नाजा जो है वो कार्डियक कफ जो होती है, हार्ट के मरीजों की खांसी जो है, अब कहते हैं ना बूढ़े बंदे खांसते कैसे हैं और रुकते नहीं हैं, तो नाजा और स्पोंजिया
मैं कहता हूँ इस तरह खांसी रोकती है ना कार्डियक का, आप देंगे पूरी खांसी रुक जाएगी। फिर नाजा कार्डियक कफ की एक बड़ी दवाई रेपर्टी में भी लिखती है नाजा, और बहुत एक्सीलेंट वर्क है नाजा का। हालांकि दोनों दोनों कोबरा हैं, नाजा भी और लेक्सिस भी, लेकिन कफ को नाजा बहुत अच्छा रोकता है। इसी स्पोंजिया बहुत अच्छा रोकती है, ड्रोसरा बहुत अच्छा रोकती है। अब रात की खांसी जो है, ये तो कार्डियक कफ की बात है। अगर किसी ने सवाल किया तो बंदे खांसते कहते हैं। अब ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो खांसी है वो रात की होती है, फूलों की। रात की लेटने के वक्त जो खांसी आती है वो है आयोसेमस की, वो है परसर्टीला की, वो है स्टिक्टा की, और एक और दवाई है अरेलिया रेसिमोसा। ये रात सोने नहीं, स्पोंजिया ड्रोसरा, ये पांच छह दवाइयाँ जो रात की खांसी की बड़ी पक्की दवाइयाँ हैं। परसर्टीला लेइंग वाइज खांसी, आयोसेमस लेटने नहीं देती खांसी, अरेलिया लेटने नहीं देती खांसी। अब खांसी लेटने नहीं देती तो परसर्टीला है, आयोसेमस है, स्टिक्टा है, अरेलिया है, और सांस नहीं लेटने देता। हार्ट वालों को सांस नहीं लेटने देता, लेटते हैं सांस खराब हो जाए, उठ के बैठ जाते हैं। लेक्सिस है, ग्रेंडेलिया है, ओपियम है, ये लेटते हुए सांस का खराब उठ के बैठा बैठ जाता है मरीज। ठीक, दिन को तो बड़ी रेंज है नहीं खांसी की, वो तो देखें जो प्रोडक्टिव खांसी है उसमें स्टेनोमेट है, एंटमटाट है, काली सल्फ है, कास्टिकम है, सिपिया है, सनेगा है, और जो ड्राई कफ्स हैं उसमें ब्रायोनिया है, र्यूमेक्स है, रेली ओ क्या उसका नाम है, क्रोलियम रूब्रम है, उसके बाद मैंथा पेप है, स्टिक्टा है, ये सारी ड्राई कफ की, र्यूमेक्स है, फास्फोरस है, आर्सेनिकोइडाइड है, ओल्ड एज कफ की बात करें, ओल्ड एज कफ, एंड ओल्ड एज कफ जो है वो सनेगा है, सनेगा, क्योंकि हम इस एरिया को फिर रहे हैं ना, हम 60 साल तो आगे निकल गए। अब 60 साल तो आगे की गल करो, सीओपीडी मैं आता हूँ। कार्डियक कफ जो है ना, ये जो है इसमें तो आप लंबी रेंज में ना जाए, ये दो दवाइयाँ तो मैं कहता हूँ एक्सीलेंट है ना, नाजा और स्पोंजिया बहुत मज़े की काम करते हैं, बहुत मज़े की काम, एक एक डोज देते हैं खांसी रुक जाती है, एक एक डोज।